हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वोल्केनिक माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड विद कंसेप्ट। आज हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी किस तरीके से बनते हैं, कहां कहां पे पाए जाते हैं। इससे पहले जियोग्राफी की दो क्लासेज हो चुकी है जिनका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, देखिए माउंटेन्स जो वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी क्या होते हैं उसके बारे में देखने से पहले हम देखेंगे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। अर्थ के तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो इसकी ऊपर वाली लेयर होती है 34 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर तक, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। इसके बाद जो बीच वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं मेंटल, और जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोर। अर्थ के अंदर जो मेटल्स है वो मोल्टन स्टेट में पाई जाती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कोर के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर जो मेटल्स होंगी वो पिघली हुई अवस्था में होंगी, और इसके ऊपर क्या पाई जाती है, प्लेट्स पाई जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर मैं ये पूरे वर्ल्ड को देखूँ तो ये 17 मेजर प्लेट्स में बटी हुई हैं, और जब ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ रब करती है मतलब हिलती है तो इससे क्या पैदा होता है, इससे भूकंप आते हैं, और क्या होता है, वोल्केनो होता है। देखिए वैगनर ने थ्योरी बताई थी, जिस थ्योरी में उसने ये बताया था कि अगर दो प्लेट्स जब दूर की तरफ जाएंगे तो वो खाई में बदल जाएंगे, और जो दोनों एक तरफ आएंगे तो वो किस में बदल जाएंगे, माउंटेन्स में बदल जाएंगे। जब ऐसा होता है तो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं, ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये प्लेट्स एक दूसरे पोजीशन से क्या रहती है, हिलती हुई रहती है, और इसके अंदर का जो मैग्मा है वो क्या आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। जो इसके अंदर पाया जाता है उसको आप क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। और जिस पॉइंट से ये निकल रहा है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। जो अंदर है वो मैग्मा है, जो बाहर निकल गया वो लावा है, और जो ये है वो क्या है, क्रेटर है। ओके, जो ये प्लेट्स हैं इसे क्या बोला जाता है, टेक्टोनिक प्लेट बोला जाता है। और ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी वैगनर ने। वैगनर ने क्या बताया कि जो हमारी अर्थ है वो किससे, 17 बड़ी बड़ी प्लेटों से बनी हुई है, जो किसके ऊपर तैर रही है, जो मैग्मा के ऊपर तैर रही है। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये प्लेटें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर हिलती रहती हैं, जब ये एक दूसरे से उधर की तरफ जाती हैं तो यहाँ से जो मैग्मा है वो माउंटेन से निकलता है, अंदर मैग्मा बाहर लावा, और इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो क्या आते हैं, देखिए आप मैप को दोबारा से देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ है आपका यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया को मिला के जो बना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ है ऑस्ट्रेलिया, इधर है नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका। यहाँ पे एक बड़ी सी पैसिफिक प्लेट है। अब पैसिफिक प्लेट है तो क्या करती है, ये आसपास वाले एरिया को क्या करती है, हिलाती रहती है। और यहाँ पे आप ये रेड कलर से देखेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। लगभग 90% क्या आते हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, और 75% क्या है, यहाँ पर वोल्केनो है। अब यहाँ पे इसे बोला क्या जाता है, इसे बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। और ये किस शेप की होती है, ये यू शेप की पाई जाती है। देखिए सेम थ्योरी से मैंने यहाँ पे ये बताया है, इसके हिलने से सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। 90% अर्थक्वेक आते हैं, और 75% क्या होते हैं, वोल्केनोज आते हैं। आइए किस तरीके से निकलते हैं ये लावा, इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, वो ज्वालामुखी जो टाइम टू टाइम उसमें से क्या निकलता रहता है, लावा निकलता रहता है, जिसका एक एग्जांपल है किलामू अमेरिका के अंदर। उसके बाद है डोरमेंट, डोरमेंट मतलब परसुप्त ज्वालामुखी,
प्रसुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जो कभी उसमें से लावा निकलता रहता है और कुछ उस टाइम के लिए वो रुक जाता है, फिर रुक जाता है और फिर उसमें से लावा निकलता है। मतलब उसका फिक्स नहीं होता है कि वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जैसे एक एग्जांपल है नारकोंडम अंडमान निकोबार में, इंडिया में ये ज्वालामुखी पाया जाता है और ये क्या है, परसुप्त है। उसमें से लावा निकल जाता है कुछ टाइम तक और कुछ टाइम तक नहीं निकलता है। उसके बाद है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, मतलब जो गायब हो चुके हैं। गायब का मतलब है उसके अंदर से लावा निकलना अब बंद हो गया है। उसका एग्जाम्पल है एकांक गुआ। एकांक गुआ कहाँ पर है, एंडीज पर्वत पर है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी से क्या निकलता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निकलते हैं, जल वाष्प निकलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल वाष्प को। सबसे ज़्यादा यहाँ से क्या निकलता है, वेपर निकलता है। उसके अलावा इसमें से क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। ये कुछ गैसेज होती हैं जो एनवायरमेंट को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। इसी वोल्केनो की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से आप पता लगा सकते हैं कि धरती की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। इसी की वजह से ही हमने पता लगा पाए हैं कि अर्थ अंदर से किस तरीके से दिखाई देती है। इसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे कि वर्ल्ड में कहां कहां पे कौन से वोल्केनो पाए जाते हैं और उनको याद करने की ट्रिक क्या होगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वोल्केनो माउंटेन लिखे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखे हैं। इसके बाद इस स्क्रीन के बाद मैं बताऊंगा कि सबसे हाईएस्ट, सबसे एक्टिव हाईएस्ट और सबसे शांत जो हाईएस्ट है वो कौन सा है। देखिए सबसे अगर हम बात करें इटली के लिए, याद करने का ट्रिक क्या बनाया है, इटली माउंट एटना इटली में है, माउंट वेसुवियस इटली में है और माउंट स्ट्रोम्बोली भी इटली के अंदर है। स्ट्रोम्बोली इसे क्या बोला जाता है, ये मध्य सागर का, भूमध्य सागर के, इसे प्रकाश स्तंभ के बारे में भी बोला जाता है क्योंकि जब ये ज्वालामुखी फटता है तो आसपास में क्या कर देता है, ये चारों तरफ रोशनी कर देता है, प्रकाश कर देता है। इसीलिए इसे भूमध्य सागर का क्या बोला जाता है, प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। किसको, स्ट्रोम्बोली को। अगर हम इटली के बारे में याद करें तो इटली में क्या करेंगे, देखिए ये है इतना, ये है वेसुवियस और ये है स्ट्रोम्बोली। इटली में वासु इतना बोली, इटली में वासु इतना बोली, वासु का मतलब क्या हुआ, वेसुवियस, इतना का मतलब क्या हुआ, एटना, और बोली का मतलब क्या हुआ, स्ट्रोम्बोली। दो तीन बार आप इसको बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा, इटली का मतलब इटली में, वैसु का मतलब वासु, वेसुवियस, इतना का मतलब एटना और बोली का मतलब क्या है, स्ट्रोम्बोली। और स्ट्रोम्बोली को ही भूमध्य सागर का क्या बोला जाता है, प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। उसके बाद देखिए साउथ अमेरिका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका में कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, चिम्बोरेंजो इक्वाडोर में है और एकांक गुआ क्या है, अर्जेंटीना के अंदर है। ये दो, ये तीनों कहाँ पे हैं, ये साउथ अमेरिका में है। इसको याद कैसे करेंगे, टीना एकांत में, टीना एकांत में, टीना का मतलब हो गया अर्जेंटीना, एकांत का मतलब हो गया एकांक गुआ। टीना मतलब अर्जेंटीना, एकांत मतलब एकांक गुआ में, टैक्सी के एक डोर से, टैक्सी का मतलब कोटोपैक्सी, टैक्सी कोटोपैक्सी, टैक्सी कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, इक्वाडोर मतलब इसका एक डोर, एक डोर, एक डोर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डोर लिख दें, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में छिपी, छिपी का मतलब हो गया चिम्बो रेजो, चिम्बो रेजो। आप एक दो बार बोलें, लिखें और उसके बाद देखिए टीना एकांत, टीना एकांत मतलब टीना हो गया आपका अर्जेंटीना और एकांत हो गया एकांक गुआ। टैक्सी मतलब कोटोपैक्सी के इक्वाडोर, एक डोर मतलब इक्वाडोर में, और चिम्पी छिपी, छिपी का मतलब क्या हो गया, चिम्बो रेजो, चिम्बो रेजो का मतलब क्या हो गया, इक्वाडोर के अंदर। दोनों कहाँ पे हैं, कोटोपैक्सी और चिम्बो रेजो कहाँ हैं, इक्वाडोर के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में दो हैं, एक है हेलन, हेलन यूएसए में, और एक है मोनालाओ हवाई के अंदर। ठीक है, इसको आप याद कैसे करेंगे, हेलन यूएसए में और मोना हवाई लाई, हेलन यूएसए में और मोना हवाई लाई, यूएसए में और हटा देंगे क्या बनेगा, हेलन यूएसए में मोना हवाई लाई, हेलन यूएसए में मोना हवाई लाई। हेलन का मतलब माउंट हेलन यूएसए में है और मोना हवाई लाई मोना हवाई में है। उसके बाद माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका के अंदर है, ये कहाँ पे है, तंजानिया में, किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका के अंदर। कैसे याद करेंगे,
दिल्ली मंजी पर जा रही है, किली मंजारियो तंजानिया, दिल्ली मंजी पर जा रही है। देखो दिल्ली ये किली है, इसको आप दिल्ली से याद रख सकते हो। मंजारिया मतलब मंजी, तंजारिया जारिया, दिल्ली मंजी पर जा रही है, दिल्ली मंजी पर जा रही है, दिल्ली मंजी पर जा रही है। माउंट कैराकेटाओ इंडोनेशिया में है, कैराकेटाओ इंडोनेशिया, कैराकेटाओ इंडोनेशिया, तीन चार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। माउंट पोपा, पोपा कहाँ है? म्यांमार। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पापा ने मारा यार, पोपा म्यांमार, पापा ने मारा यार, पोपा म्यांमार। उसके बाद है बैरन वोल्केनो। बैरन वोल्केनो हमारे इंडिया में दो वोल्केनो है, एक है बैरन और एक है नारकोंडम, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो एक्टिव वोल्केनो है वो इंडिया में वो कहाँ है? अंडेमान निकोबार में है, और उसका नाम क्या है? बैरन। आप इसको याद रख सकते हैं, रन इंडिया रन, बैरन, ठीक है। उसके बाद है माउंट फ्यूजी, फ्यूजी जापान के अंदर है, फौजी गए जापान, फौजी गए जापान, फौजी का मतलब फ्यूजी, जापान में है। माउंट टोंगारियो न्यूजीलैंड के अंदर है, माउंट टोंगारियो न्यूजीलैंड में है। तो आपका ये ट्रिक जो है वो ये हो गई, टोंगा लैंड, टोंगा लैंड पर, या टोंगा ऑन लैंड, टोंगा का मतलब क्या हो गया? टोंगारियो, और लैंड पर है। इसके बाद जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊंगा सबसे जो एक्टिव है और जो सबसे हाईएस्ट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, लिखें और इसको याद करें। आइए इस स्लाइड पर हम देखते हैं जो सबसे ऊंचा, सबसे एक्टिव शांत ज्वालामुखी कौन से हैं, और थोड़ा हम लर्न करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए जो ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, ठीक है। पहला जो है वो है आपका विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? वो है किलामू, हवाई द्वीप अमेरिका के अंदर है। इसका आप कैसे याद रखेंगे? जिसका नाम ही किले जैसा है, जिसका मुंह ही किलामू है, मतलब वो निकल निकल के उसका मुंह कील जैसा हो गया, मुख कील जैसा हो गया, वही सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। किलामू ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये आपका हवाई द्वीप अमेरिका के अंदर है। आई होप जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको किलामू किले जैसा मुंह दिखाई देगा और उसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय दिखाई देगा। उसके बाद है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, विश्व का, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ज्वालामुखी कौन सा है? वो है कोटोपैक्सी इक्वाडोर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ठीक है। अगर आप याद करना चाहें तो एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको कोटा से याद रख सकते हैं। देखिए कोटा लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो काफ़ी उसका नेम है, इसका मतलब वो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी से आप उसको याद रख सकते हैं। ये सबसे ऊँचा हो गया और ये भी नाम आपके दिमाग में आ ही जाएगा, कोटोपैक्सी। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रोम वैली, भूमध्य सागर पर प्रकाश स्तंभ, ये जो मेडी जो आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर पर ये ज्वालामुखी है, जब भी ये फटता है तो आसपास काफ़ी दूर तक इसकी रोशनी दिखाई देती है, और इसका नाम क्या है? स्ट्रोम वैली। तो आप इसको याद रख सकते हैं, स्ट्रोम बोली, बोली बोली मतलब बोल रहा है, बोल रहा है, बोलने के कारण उसके आसपास क्या हो रही है? रोशनी हो रही है। उसके बाद सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव, देखिए सबसे एक्टिव कौन सा है? किलामू, जिसका मुंह किले जैसा हो गया। सबसे ऊंचा जो है वो क्या है आपका? कोटोपैक्सी। और सबसे ऊंचाई पर और वो एक्टिव भी है वो कौन है? ओजस डेल सेलेडो, ओजस डेल सेलेडो, इतना बड़ा नाम है तो आपको याद रह ही जाएगा कि सबसे ऊंचाई पर और सबसे एक्टिव कौन सा है? ओजस डेल सेलेडो। उसके बाद लास्ट जो है वो आपका है सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी वो होता है जिसके अंदर मैग्मा या लावा अब नहीं निकलेगा कभी भी, उसका नाम है एकांक गुआ एंडीज पर्वत पर। कैसे याद रखेंगे? एकांक को आप याद रखें एकांत के जैसे, एकांत का मतलब जो अकेला रहता है, मतलब शांत है, और वही सबसे शांत है, सबसे ऊंचाई पर सबसे शांत कौन है? एकांक गुआ, और जो कहाँ पर है? एंडीज पर्वत पर। सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ज़्यादा लावा जो निकलता है, ज़्यादा निकलने के कारण उसका मुंह किले जैसा हो गया, किलामू। सबसे ऊंचाई पर कौन है तो आप उसको याद रखेंगे कोटा के नाम से, कोटोपैक्सी। उसके बाद सबसे ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी कौन सा है तो शांत से आप उसको एकांत याद रखेंगे, एकांत में कौन सा है? एकांक गुआ एंडीज पर्वत पर है। सबसे ऊंचाई पर और सबसे एक्टिव कौन सा है?
ओजस डेल सेलाडो, और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोला जाता है, स्ट्राम बोली को बोला जाता है। इस तरीके से ये चैप्टर आपके, आप इसके एमसीक्यू लगाइए, आप प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखें कि कहाँ क्वेश्चन आया है, उसे बनाकर देखें। आई एम डेफिनेटली श्योर डैट आप इम्प्रूव करेंगे अपनी जियोग्राफी में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।